बहुत खूब। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वरों में विंड्स की एक अनोखी शाम भाग दो। ये हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं और ये अनोखी शाम इस लिहाज से है कि रवि साहब, रविंद्र जैन साहब, राहुल देव बर्मन साहब, राजेश रोशन साहब और रहमान साहब, इन सब के गाने हैं। तो देयर आर 5 आवर्स, है ना, तो हर दौर का गाना जो है इस वक्त आपकी तरफ आने वाला है। मेरा नाम गौरव है, मैं आपसे अमूमन मिलता हूँ हर रात 9 बजे, कल भी आज भी पर ऑन FM बोले तो रेडियो सिटी 91.1। और रेडियो वाली स्पीड में बात नहीं करूँगा, मुझे मालूम है हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत किस्सा कोई आपका साथ निभाएगी। लेकिन एक अच्छा रेडियो जॉकी जो काम करता है मैं वही करने वाला हूँ। बातें कम और गाने, ये जो आप लोग मेरी इज्जत करते हो ना, मेरे को हर बार बहुत अच्छा लगता है, हर शो में मेरे को मेरी इज्जत अफजाई इसी तरह होती है। आइए एक बड़ी कमाल की गायिका को मंच पर आमंत्रित करते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त गाना है और मैं चाहूँगा कि हम सभी इनसे वाकिफ हैं, हम इनकी आवाज़ के मद्दा हैं, मुरीद हैं, तो जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत निरुपमा डे जी का। निरुपमा जी प्लीज़ आइए मंच पर।
बहुत बढ़िया। और ये गाना जो है किस फिल्म से है गाना? ये वाला 14। हीरोइन कौन थी? किस? पद्मा खन्ना। हीरोइन पहचानने में सबसे तेज। हाँ तो ये ज़रा सवाल जवाब होंगे। हाँ मैं कभी कभी बहुत बहुत कुछ भूल जाता हूँ, तो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ तो बताते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। देखिए मेरा ये मानना है कि हर आर्टिस्ट में ना थोड़ा बहुत एटीट्यूड होना ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है। और एक बड़े कमाल के संगीतकार रहे, उन्होंने अजीबोगरीब तीन शर्तें रखी अपने सामने। जब तक ये नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। पहली ये कि मैं साइन नहीं करूँगा। तो टीचर थे हाँ, कलकत्ता में पढ़ाते थे, तो साइन नहीं करते थे, अंगूठा लगाते थे। उन्होंने भाई साइन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कहते साइन करूँगा तो सीधा पिक्चर साइन करूँगा। दूसरा, किसी के साथ तब तक तस्वीर नहीं खिंचवाऊँगा जब तक वो सामने वाला मेरे साथ आके तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहता है, ठीक है। तीसरा, कहते कभी किसी को असिस्ट नहीं करूँगा। SD बर्मन साहब की तरफ से बहुत उनको दावत गई, न्योता गए कि आओ हमें असिस्ट करो, ये करो। कहते नहीं, असिस्ट नहीं करूँगा, करूँगा तो सीधा म्यूज़िक ही डायरेक्ट करूँगा पिक्चर में, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर। और आप सभी जानते हैं कि ये दिग्गज कलाकार कौन है। मैंने शुरू में बता दिया था पांच म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, तो पांचों में से कोई एक होगा ना। कौन बोला? कौन बोला? रविंद्र जैन कौन बोला? प्लीज रेज योर हैंड। भाई साहब अगर आपके पास ये 5 करोड़ का सवाल रहता ना तो आप 5 करोड़ जीत जाते। एब्सोल्युटली राइट, रविंद्र जैन। हाँ रविंद्र जैन साहब का दादू का ये एटीट्यूड था। तो एक बड़े कमाल के गायक हैं जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। यूं तो हरफन मौला कलाकार हैं, हर तरह का हर जॉनर का गाना ये बखूबी निभाते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी हो और आप लोगों ने भी की होगी कि यशुदास जी का जो एक मुख्तलिफ अंदाज है ना उसको बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने पकड़ा और उसके नुआंसेस हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत द वन एंड ओनली समीर विजय कुमार जी। समीर साहब आइए मंच पर। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यारे। उस पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यारे, आके यारे। करता है मोर के पांव में पायलिया पहना दूं, कुह कुह गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। ये घर अपना बनाने को पंछी करे देखो जिनके जमारे, जिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यारे, आके यारे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। घर घर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा तारे ऐसा तारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यार,
बहुत खूब समीर साहब, गोरे गांव के लोगों के लिए जो गाना आया, हाँ किस फिल्म से था ये गाना? हाँ हाँ फिल्म नहीं है भैया, और यस यस यू आर राइट, यस यस द यंग लेडी, यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, जोरदार तालियां फॉर दिस यंग लेडी, यस आई एम ग्लैड दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग, कीप डूइंग दैट, ऑलराइट। सो राधिका मोहन जी जो हैं बड़ी बारीकी से ये लिस्ट तैयार करती हैं, बड़ा कठिन है कि 5 ऐसे दिग्गज संगीतकारों के गाने एक शो में लेकर आना, उसे एक माला में पिरोना, और मोहित शास्त्री साहब हमारे म्यूजिक कंडक्टर बहुत ही कमाल का लाजवाब काम कर रहे हैं, तमाम साजिंदे जो हैं ये बेहतरीन गाना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और हमारे कोरस सिंगर्स यशस्वी कलाकार ये भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और कई गानों के ओरिजिनल कोरस में इन लोगों ने परफॉर्म किया है, और अब जो गाना आपकी तरफ आ रहा है इसको हम ज़रा चुपके से सुनेंगे, ठीक है, एकदम हौले से, और बहुत ही ज़बरदस्त गायिका इस गाने को हमारे सामने परफॉर्म करने वाली हैं। मैं चाहूँगा कि बिना किसी विलंब के इन्हें मंच में आमंत्रित किया जाए, बेमिसाल आवाज़ है, सबसे मुख्तलिफ अंदाज़ है, ज़ोरदार तालियों से स्वागत गायत्री जी का, गायत्री जी प्लीज़ आइए स्टेज पर। दोस्तों से झूठी मोटी दूसरों का नाम लेके फिर मेरी बातें करना, यारा रात से दिन करना, लंबी जुदाई तेरी बड़ा मुश्किल है, आहो से दिल भरना, यारा रात से दिन करना, कब ये पूरी होगी दूर ये दूरी होगी, कब ये पूरी होगी दूर ये दूरी होगी, रोज सफर करना, यारा रात से दिन करना, पूरी होगी दूर ये
बहुत खूब राहुल जी, नितिन जी, गायत्री जी, बहुत खूब श्रुति जी, बहुत बढ़िया। हर चीज़ में बड़ा मज़ा आ रहा है। देखिए क्या है कि जब फिल्मों का दौर बदला, तौर तरीके बदले, टेक्नोलॉजी बदली, तो एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे लता जी गाना गाने वाली थी और बहुत हैरान परेशान थी। अमूमन लता जी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत हैरान परेशान हो म्यूज़िक से, वो तो गाती थी बहुत ही बढ़िया बेमिसाल। लेकिन यहाँ पे एकदम अकेली खड़ी हुई थी अंधेरा स्टूडियो में और सामने एक बच्चा ऐसा नया लड़का आया, वो बैठा हुआ सर झुका के और कह रहा है अम्मा गाओ, और ये कह रही है मैं किसके लिए गा रही हूँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो वहाँ पे गुलजार साहब उपस्थित थे, गुलजार साहब ने कहा कि लता जी आप चिंता ना करें, मैं स्टूडियो के बाहर, उन्होंने एक स्टूल लिया, स्टूल पे बैठ गए ताकि वो स्टूडियो के बीच में छोटी सी खिड़की सी रहती है ना, वो देख सकें कि कोई है जिसके लिए मैं गा रही हूँ। और फिर लता जी ने वो गाना रिकॉर्ड किया। वो गाना आप समझ ही गए कौन सा गाना है। कोई बात नहीं, आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। रहमान साहब का गाना है, गुलजार साहब का लिखा हुआ। जिया जले, अरे वाह, आपके लिए ताली बजा देता हूँ फिर। मैं सही बताऊँ, आपने मेरी इज्जत रख ली आज। और ये गाना आपके सामने परफॉर्म करने वाली हैं बहुत ही कमाल की गायिका, बड़ी ज़बरदस्त प्लेबैक सिंगर, और बड़े बड़े टेलीविजन सीरियल्स के जो टाइटल ट्रैक्स हुए, टाइटल सॉन्ग्स हैं, इन्होंने गाए, इनकी आवाज़ भी हम सुनते आ रहे हैं और देश में विदेश में हर जगह पर इनकी आवाज़ का डंका बज रहा है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन, द वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी हैव, गुल सक्सेना जी। गुल जी आइए मंच पर। जिया जले जा जले, जिया जले जा जले, मैनू तले धुआं चले, धुआं चले, मंदिर तंदिर कोनी क्यों, मंदिर बत्तर चंदी क्यों, वंजन वर्ण चंदर बावे, तंदिर नक तंदिर याडम तंगन लावे, मंदिर तंदिर कोनी क्यों, मंदिर बत्तर चंदी क्यों, वंजन वर्ण चंदर बावे, तंदिर नक तंदिर याडम thank you.
बहुत खूब गुल जी, हमारे कोरस के साथ ही बहुत बढ़िया है। सदैव कर्म को ही अपना धर्म माना है आप लोगों ने, इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, बहुत ही यशस्वी कलाकार। देखिए हुआ क्या कि के आसिफ साहब जो हैं एक फिल्म बना रहे थे मुगले आजम, और उसमें एक नौजवान को एक रोल दिया गया। एक दिन की शूटिंग भी हुई, फिर उस लड़के को बोला गया कि नहीं भैया आपसे बात बन नहीं रही है तो आप जाइए। उस लड़के को मुगले आजम से निकाल दिया। वो रोल बाद में अजीत साहब ने किया, मरहूम अजीत साहब ने वो किरदार निभाया। अब ये लड़का तो निराश हो गया, वापस आ गया, लेकिन इस लड़के के बेटे ने बहुत ज़बरदस्त काम किया फिल्मों में आगे जाकर। 90s की एक बहुत बड़ी फिल्म में उस नौजवान का बेटा जो है वो रेडियो जॉकी का रोल प्ले करता नजर आया था। उस वक्त तो रेडियो अनाउंसर कहते थे, अभी रेडियो जॉकी ज़्यादा चल रहा है। कौन हो सकता है वो कलाकार? कौन बोला, कौन बोले, क्या बोला सर आपने? सलमान खान सर, यू आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। खान तो है आमिर खान, खान तो है। अभी तीसरा भी आप ही बोलोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तीसरा तो बट ऑब्वियस हो गया ना, शाहरुख खान। यस, शाहरुख खान। हाँ, बाद में किंग खान बनकर आए, है ना, तो उनके फादर को उस फिल्म से हटा दिया था। और वो जिस फिल्म में उन्होंने रेडियो जॉकी का रोल किया था वो पिक्चर भी बता दीजिए फिर। हाँ, दिल से, दिल से। इस साइड ट्यूशन पढ़ के आए हुए लोग अच्छी तरह से जवाब दे रहे हैं। हाँ, गाइड खोल रखी है इन्होंने। हाँ, बढ़िया, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, दिल से। और ये बहुत ही ज़बरदस्त गायक है, एकदम वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं। हर तरह का गाना जो है मैंने इनकी आवाज़ में सुना है और बखूबी ये निभाते हैं, और बहुत ही ज़ोरदार, बहुत ही हैरत अंगेज़ और हंगामा खेज़ ये कलाकार हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन वैभव वशिष्ठ का। वैभव जी प्लीज आइए स्टेज पर। टुकड़ों में जी रहा हूँ मैं, यहाँ
टुकड़ों में जी रहा हो तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं। तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहटे है, तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशा कहाँ है, मेरा जहाँ कहाँ है, मैं मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। बहुत बहुत गायत्री जी, वैभव साहब बहुत ही बढ़िया। अजनबी से जान पहचान सब करना चाहते हैं, इस चक्कर में कभी कभी अपनों से हम दूर हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा है, एक बड़ी जानी पहचानी आवाज़, एक बड़े ही जाने पहचाने कलाकार है ना, जिन सबका हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं जब भी हम एक लाइव शो में स्टेज शो पर आते हैं, तो बिना किसी विलंब के उनको तो मैं बुला ही लेता हूँ। एंड आई एम वेरी श्योर दैट ही इज़ एन आउटस्टैंडिंग सिंगर, ठीक है ना, हमेशा बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेज इनकी रहती है। प्लीज़ माइंड द वर्ड आउटस्टैंडिंग। सो देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन आलोक करदारे साहब का।
दिलों का दीवाना, दिलों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, जमाना कहे फिर क्यों, पूरा है दिल लगाना, पूरा है दिल लगाना, सारा जमाना, सारा जमाना, हसीनों का दीवाना, हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, जमाना कहे फिर क्यों, पूरा है दिल लगाना, पूरा है दिल लगाना, सारा जमाना। जोरदार ताले होने चाहिए, क्या बात, क्या बात, एकदम के साथ। ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो ऐतबार कर ले। ये कौन कह रहा है तू आज प्यार कर ले, जो कभी भी खत्म ना हो वो ऐतबार कर ले। मान ले मेरी बात, जमाना कहे फिर क्यों, जमाना कहे फिर क्यों, पूरा है दिल लगाना, पूरा है दिल लगाना, सारा जमाना। नहीं तो दुनिया में क्या कशिश है, दिल दिल वही है जिसमें कहीं प्यार की खलिश है। सब उस ही नहीं तो दुनिया में क्या कशिश है, दिल दिल वही है जिसमें कहीं प्यार की खलिश है। मान ले मेरी बात, पूरा है दिल लगाना, पूरा है दिल लगाना, सारा जमाना, सारा जमाना, हसीनों का दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों, जमाना कहे फिर क्यों, पूरा है दिल लगाना, ला 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 ला। आइए इसी जमाने में जरा शरारत आगे बढ़ाते हैं, है ना। सौरव इवेंट्स की हमेशा कोशिश रही है कि नया टैलेंट भी आपके सामने आए, कुछ मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस आपके सामने आए, और उसमें हर बार सौरव इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट जो है वो सफलता प्राप्त करते हैं। तो अभी एक ऐसे शख्स आपके सामने आने वाले हैं और इस तरह का हुनर आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। अगर वो हुनर मैं दिखाऊं तो यकीनन मुझे झापड़ पड़ेंगे, लेकिन जब ये आते हैं और ये परफॉर्म करते हैं तो इन्हें तालियां मिलती हैं। पेशे से प्रोफेसर डॉक्टर, और जो काम ये कर रहे हैं उसके प्रोफेसर हैं ये अच्छी तरह से। तो जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर कंकारिया जी का। डॉक्टर साहब आइए आइए, माइक दीजिए डॉक्टर साहब को। पेशे से डेंटिस्ट हैं सर आप, है ना। तो ये बताइए जो कैविटी आती है इसका नहीं, बाद में बात करें राइट। और आप कुछ हटके कुछ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं अब हम देख लेते हैं, है ना। उसके बाद उनसे सवाल जवाब करेंगे थोड़ा सा। Thank you.
वाओ फैंटास्टिक डॉक्टर साहब, मजा आ गया डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। रुकिए रुकिए, अभी कैसे जाने दूंगा मैं आपको, मुझे मालूम है आपकी शादी हो गई, आपका बेटा भी काफी बड़ा है, हैं? फिर भी आपने ये हरकत नहीं छोड़ी, मतलब हाँ बहुत हरकत बिल्कुल बाज नहीं आना चाहिए, और इसी तरह से ये हुनर जो है आगे बढ़ता रहना चाहिए। हाँ वन मोर सॉन्ग, अच्छा अच्छा अच्छा, ये सिटी वाले रेडियो सिटी वाले सब साथ साथ चल रहे हैं। ऑल राइट, एक और लेंगे, पक्का लेंगे, ठीक है, आपकी फरमाइश में पूरी करूंगा, है ना। वो पुरानी रेट्रो फिल्म के हीरोज नहीं बोलते थे, अशोक हसीना को कैसे नाराज कर सकता हूँ मैं, है ना, वही होने वाला है अभी। हाँ ताली बजानी ना, ठीक से बजाया करो, एकदम कंजूसी में नहीं है। आइए निर्मला जी एंड आलोक जी, बढ़िया एक गाना हो जाए, जरा डुएट हो जाए बढ़िया वाला। हेलो दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो गीत हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, देखिए मैं आपको सवाल पूछूंगा, फिल्म का नाम है रॉकी, ये रॉकी का डुएट है, बोलो कौन सा गाना है। हाँ मुझे लगा था कि आप वही बोलोगे, रॉकी का जब जिक्र होता है तो एक ही गाना बजता है हमेशा, 20 साल से 30 साल से ये चल रहा है ना, यही क्या यही प्यार है, लेकिन इसमें एक बहुत ज़बरदस्त गाना था, रोमांटिक गाना था, वो क्यों नहीं चला मुझे आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन बोलते हैं ना कि एक गाना अपना नसीब लेके आता है, लेकिन लगता है कि आज उसका नसीब खुल गया। आज के बाद ये गाना आप हर महफिल में सुनोगे, और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा राधिका मोहन जी को कि उन्होंने इस गीत को इस शो में लिया। अब सुनिए कितना बेहतरीन और कितना ब्यूटीफुल गाना है, और ये गाना क्यों नहीं चला है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप सुनने के बाद देखिए।
बहुत गोपालक जी, निरुपमा जी एंड राधिका मोहन जी को भी बहुत बधाई कि ये गाना जो है वो चुनना, क्योंकि अमूमन स्टेज पे नहीं लिया जाता है। स्वरम इवेंट्स की ये जो कोशिश है, ये प्रयत्न जो है बहुत सफल। और अब क्या है कि एक ज़माना था जब सिर्फ मल्टी स्टारर फिल्म्स होती थी या दो हीरो वाली पिक्चर तो होती होती थी। तो एक पिक्चर आई जिसमें अनिल कपूर पहुंच गया जैकी श्रॉफ के पास और कहने लगा, जैकी ये पिक्चर करनी है। तो जैकी श्रॉफ ने कहा, अच्छा रोमांटिक गाने कितने हैं? कहते हैं रोमांटिक गाने किसके ऊपर हैं? अनिल कपूर ने कहा, मेरे ऊपर हैं, आपके ऊपर नहीं है। हीरोइन? कहते हीरोइन भी मेरे पास है, आपके पास नहीं है। फिर भी उस फिल्म को जैकी श्रॉफ ने किया अनिल कपूर के साथ और वो फिल्म नहीं चली। अभी तो कल्ट फिल्म मानी जाती है, नहीं चली। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था, पब्लिक ने बोला अरे जैकी श्रॉफ की हीरोइन नहीं है यार, दूसरा हीरोइन होना मांगता है, इस तरह का था सीन। और कबूतर खाना वगैरह खूब दिखाया उसमें, कौन सी पिक्चर हो सकती हो भाई? आराम से यार, बच्चे की जान लोगे। हाँ परिंदा आइए, समीर जी एंड गुल सक्सेना जी, परिंदे का एक गाना सुना दी। जब गाना तो आप समझ ही गए होंगे, कौन सा गाना है? अच्छा लगा मुझसे मिलके। अच्छा तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल, तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल। है मेरी जाने वफा तेरी, मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे कहोगे जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे छोड़ेंगे अब ना ये हाल, ये जिंदगी गुजरेगी अब हम गम तुम्हारे ही साथ, अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा। एक पल मुझे अब करा,
होंगे जुदा, हम दम मेरा मिल गया, अब हम न होंगे जुदा। तुमसे मिल के साथ तेरे रहेंगे सदा, अब हम न होंगे जुदा। ला 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 समीर जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। गुल जी, अब आप यहीं पे रहें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सभी को अच्छा लगेगा, सिर्फ मुझे क्यों अच्छा लगेगा, है ना? यस, आपको भी अच्छा लगा? ऑलराइट, सो हुआ क्या कि कहीं ना कहीं ट्रेजेडी के अंदर इंसान को अपना दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। जब आप कोई ट्रेजिक फेज से गुजर रहे हो, सिर्फ दिल ही नहीं, दिलो दिमाग दोनों। हुआ क्या कि रहमान साहब, ए आर रहमान, इनके वालिद साहब गुजर गए और ये छोटे ही थे, बहुत संगीत वगैरह तो सीख रहे थे लेकिन ऐसा कुछ खास काम वाम इनका बना नहीं था, परिवार पे बहुत तकलीफ। लेकिन इनकी जो वालदा रही, उन्होंने बहुत गैर मामूली निर्णय लिया, क्योंकि रहमान साहब के फादर जो है ना, बहुत ज़बरदस्त कीबोर्ड्स वगैरह लेकर आते थे, बाहर से इम्पोर्ट कराते थे और वो प्ले करते थे, वो उसका इस्तेमाल करते थे संगीत में। तो बहुत लोगों ने बोला कि इतने महंगे महंगे कीबोर्ड्स रखे हुए हैं, आप बेच दो, आपके घर का गुजारा चल जाएगा, बेच क्यों नहीं देते हैं। लेकिन रहमान साहब की वालदा ने कहा, मैं बेचूंगी नहीं, मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा जो है ना, ये सारे सोफिस्टिकेटेड कीबोर्ड बजाना सीखे, ये सीखे और उसके बाद, ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है मेरी। तो उस औरत ने इतना दिमाग, इतना दिल लगाया और फिर हमें मिला ए आर रहमान, राइट? दैट्स द स्पिरिट। रहमान ठीक से बजा लो ताली, हाँ। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि घर की औरत की बात माननी चाहिए, ठीक है, मानने चाहिए। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? सारे पुरुष एग्री करते हैं, वाह, ऑल ऑफ देम हैप्पी और इधर मैरिड, डोंट नो। आइए वैभव जी, रहमान साहब की कॉम्पोजिशन है, सुभाष घई साहब की फिल्म है, आनंद बख्शी साहब ने गाना लिखा है, पिक्चर कौन सी हो सकती है? चलिए मिलाते हैं ताल। Thank you.
माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, तू मुझको जान ले मैं तुझको जान लूँ, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। हालांकि मेरी इच्छा है वैभव जी और गुल जी दोनों ही मंच पे रहें, मेरी ऐसी इच्छा है। हाँ वैभव साहब आइए ना, कैसे जाने देंगे आपको। हाँ तो हुआ क्या, ये किस्सा सुना दूँ बड़ा बढ़िया। तो हुआ क्या, मैं आशा भोसले जी से मिला और उन्हें इंटरव्यू कर रहा था, और मैंने उन्हें याद दिलाया कि एक ज़माना था, आजकल तो बहुत रियलिटी शोज़ वगैरह होते हैं ना, है ना, बड़े सारे म्यूजिकल पर्सनैलिटीज जज बन के आते हैं। गुजरे वक्त में रियलिटी शो तो नहीं था लेकिन टैलेंट हंट होता था, दैट वॉज मर्फी रेडियो कॉन्टेस्ट, है ना, मर्फी रेडियो कॉन्टेस्ट होता था। तो मैंने कहा उसमें महेंद्र कपूर साहब को चुना था, कहने लगी मैं थी वहाँ पर, महेंद्र कपूर को चुना था और आरती मुखर्जी को चुना था उसमें। तो अब देखिए आर्टिस्ट का एटीट्यूड होता है, आरती मुखर्जी कमाल बेमिसाल सिंगर, महेंद्र साहब बेमिसाल गायक लाजवाब, लेकिन एक हर आर्टिस्ट का एटीट्यूड होता है। तो मैंने कहा फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन था, आपने क्या बोला। तो कहने लगी मैंने अन्ना को बोला, श्री रामचंद्र जी को बोला कि इतने अच्छे गाने वाले ले आए हो, रफ़ी साहब से अच्छा गाने वाले ले आए हो, दीदी से अच्छा गाने वाले ले आए हो, हम लोग क्या करें अब। तो उन्होंने कहा कि सी रामचंद्र ने बोला तुम लोग पैसे बढ़ा दो। इस तरह के किस्से भी जो हैं। और आई थिंक ये गाना जो अभी हमारे सामने आने वाला, आरती मुखर्जी जी ने ओरिजिनली ये गाना गाया और इसलिए ये किस्सा जहन में आ गया। सो मैं अब आप लोगों के बीच में नहीं आऊँगा, आप लोग प्लीज़ परफॉर्म करें, उसके बाद किस्सा वही आपका साथ निभाए। Thank you.
सांवर की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मेरा का भी श्याम। वैभव जी एंड गुल जी, आप दोनों के टैलेंट को देखते हुए मैं आप लोगों को ब्रेक देना चाहता हूँ। ऑल राइट, रुकिए, मोहन जी एक रिक्वेस्ट है, क्या हो सकता है कुछ ऐसा, गाने बहुत सारे हैं बट स्टिल, लेकिन अगर आप फ्लूट प्ले करें या यशोदे जी आप वायलिन, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, वंस मोर आ रहा है तो, हाँ कर सकते हैं, कैन वी डू दैट? आप राइट करो, वायलिन ले ले, ऑल राइट ठीक है, श्रुति जी वायलिन लेते हैं एंड देन मोहित जी कैन लाइक जस्ट कॉम्प्लीमेंट हाँ विद द फ्लूट। देखो मैं इच्छाएं तो पूरी कर रहा हूँ, हाँ मैं फरमाइशी काम पूरे कर रहा हूँ, हाँ राइट
लव यू. अच्छा, आई लव यू टू. Thank you.
Each one of them. Wow. बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूब, बहुत खूब. हमारे नागेश जी जो हैं ये बहुत अच्छे, शीघ्र उनको कुछ कुछ सोचते रहता है, तो उन्होंने कहा श्रुति जो है एक भी श्रुति नहीं छोड़ती है, इतना बढ़िया बजाया है. वाह श्रुति जी, इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. और नागेश जी जो आप शब्दों से खेल रहे हैं, मेरी नौकरी खानी है आपको. हाँ क्या क्या क्या, अच्छा आप डांट रहे हैं, कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं? हाँ हाँ पुराना पेशा है उनका, नौकरी खाना या बातों से बातें मिलाना. जी जी बिल्कुल लोन है, बहुत बढ़िया शशि भाई, शशि वालुका जी. सारे ही रिदम सेक्शन ने बहुत अच्छी, सभी ने, सारे रिदम सेक्शन ने, एंटायर रिदम सेक्शन वाज अमेजिंग, बहुत बढ़िया. यस यस तबला बिल्कुल एब्सोल्युटली. सबका परिचय आपसे थोड़ी देर में होगा ही, मैं नहीं कराऊंगा आप कराएंगे. हाँ जी, हाँ जी है ना, ये काम मैं नहीं करूंगा, बार बार करता हूँ, आज आप करेंगे. फिल्मी डायलॉग आना जी ना थोड़ा बीच में. मोजी अमेजिंग एवरी वन वंडरफुल. एक काम करते हैं आलोक जी, आ जाओ आप, काफी बातें हो गई पर आपको कौन रोक सका है यार. डॉन तो कल्याण जी आनंद जी है ना, आज आर वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स है ना. 11 मुल्कों की पुलिस को डॉन की तलाश है, रॉबिन बोला इसलिए बोल रहा हूँ. रिहर्सल में मिला नहीं मुझे, लेकिन आज यहाँ मिला. 11 मुल्कों की पुलिस को डॉन की तलाश है. रियो देना जरा, रियो पर माहौल बनाना ड्राइवर. हाँ 11 मुल्कों की पुलिस को डॉन की तलाश है, लेकिन डॉन को पकड़ना आज बिल्कुल आसान है, क्योंकि डॉन आपके सामने खड़ा है. इंटरलो में आओ और पकड़ो. रेडी? ये वसई का डॉन है. अब इक्रोली सर. कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को. कोई रोको ना दीवाने को, ए मन मचल रहा
बहुत खूब बहुत खूब। देखिए मैंने आपकी फरमाइश पूरी की है। हाँ अभी आप बाल लालची हो रही हैं बाबा। हाँ आलोक जी रियाज करते हैं तो उनकी पड़ोस वाले लोग कितने खुश होते हैं। मैं सुनूँ डॉक्टर साहब रियाज करते होंगे तो पड़ोस की महिलाएं कैसे रियाज करती होंगी। हाँ ठीक है और भी इच्छाएं पूरी करेंगे। मेरा तो काम ही इच्छा पूर्ति आज मैं ही कर रहा हूँ सबकी। हाँ अच्छा देखिए एक बहुत ही कमाल का शो जो है स्वातंत्र वीर सावरकर साहब पर है, लाइट एंड साउंड शो, जो कि हर शनिवार और हर रविवार रात 8 बजे होगा। और चाहेंगे कि जब भी आपको अवसर मिले तो आप ज़रूर आएँ, शनिवार और रविवार रात्रि 8 बजे द लाइट एंड साउंड शो। हिंदी में निर्देशक ओम राउत साहब हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर साहब पर ये शो है, तो आप ज़रूर इस शो को देखें। और अभी बहुत क्विकली जो है गाने तो जाहिर सी बात है आपकी तरफ आने ही हैं, बहुत क्विकली मैं कुछ लोगों को एक्नॉलेज करना चाहूँगा जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा है आज की शाम के लिए। मिस्टर महेश शेषाद्री फॉर इज ग्रेट सपोर्ट। महेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां महेश जी के लिए। एंड ऑल्सो लाइक टू एक्नॉलेज त्रिधातु, महिंद्रा फाइनेंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड जय काजल कि आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। और मैं चाहूंगा कि अभी स्टेज पर राधिका मोहन जी प्लीज आप आएँ, स्वरोम इवेंट्स की तरफ से जोरदार तालियां, द बैकबोन ऑफ द शो। इस लिस्ट को बनाने में इतना समय लगाया और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर एक गाना 10-10 बार सुना होगा आपने तब आपने इस लिस्ट में उसे शामिल किया है, तो जोरदार तालियां राधिका जी, अमेजिंग अमेजिंग वर्क। और मैं चाहूँगा SBI लाइफ से श्री निशिकांत शुक्ला जी, RM रिटेल एजेंसी, प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ। निशिकांत शुक्ला साहब प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ। जी 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 बिल्कुल। और साथ ही हरे दूधावाला साहब, DRM रिटेल एजेंसी, प्लीज सर आप भी स्टेज पर आए। जी हाँ वो गिफ्ट्स भी लेकर आए आप। थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन सर। आप हमें कैश दें हम आपको गिफ्ट देंगे। कैसे हो आप लोग भी यार? ऑलराइट, HDFC एगो से मिस्टर संजय कौ, प्रेसिडेंट एंड चीफ अंडरराइटिंग ऑफिसर। संजय साहब कैन यू प्लीज हैव यू ऑन स्टेज। टाइटन आई प्लस से श्री कोशी चेरियन जी, कोशी साहब कैन यू प्लीज हैव यू ऑन स्टेज। कोशी चेरियन जी हाँ जी हाँ, लॉट ऑफ म्यूजिक कमिंग अप, इट्स नॉट द इंटरवल, मैंने इंटरवल अनाउंस नहीं किया। हेलो सर, हाउ आर यू? विनय गठानी फाउंडेशन से श्री विनय गठानी साहब, प्लीज आप स्टेज पर आए विनय भाई। और मैं चाहूँगा कि मैं जानता हूँ राधिका जी यू आर क्लोजली एसोसिएटेड विद उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन, और डॉक्टर अनिल लुनिया जो कि हमारे हर इवेंट में आते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप मंच पर आएँ। और हर शो के बाद जो है उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन को कंट्रीब्यूशन जाता है। रियली हैप्पी टू हैव यू हियर ऑन स्टेज सर। साथ ही बिफोर यू स्टार्ट आई हैंड ओवर द माइक टू यू, I want to shout out a big thank you to Wellness Forever Medicare Private Limited. बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो आज की शाम में अभी तक नहीं हुआ अब होने वाला है, पहली बार मैं माइक छोड़ रहा हूँ और मैं राधिका जी को माइक दे रहा हूँ। Firstly, a heartfelt thank you for attending tonight's event and turning एक अनोखी शाम into an unforgettable night of music and joy. Your presence, cheers and positive energy has elevated the entire experience and every musician's and artist's hard work is on display. Please give them a big hand. Thank you to our ace flautist and music conductor Mohit Shastri and his talented team of musicians. Also, Shruti Bhave has come all the way from Pune to be part of this show. Give her a big hand.
A massive thanks to our sponsors, volunteers, and everybody behind the scenes for their hard work and dedication, without whom this event would have not been possible. Last but not the least, a big shout out and humble thanks to my friends from Air India. Yeah. My schoolmates from Auxilium Convent, residents of Bhakti Park, our regular supporters who have been attending every show of ours, and most importantly, Wellness Forever Medicare for their encouragement and unwavering support. Looking forward to sharing more musical journeys with you all in the future. Thank you for being part of this lovely musical evening. Thank you. मेरी चीज मुझे वापस करिए अब, है ना? मेरा माइक मुझे वापस करो. आपने स्कूल और कॉलेज के बच्चे बुला रखे हैं, बताया नहीं मुझे आपने? हाँ, वाओ, फैंटास्टिक. एंड यू बीन अ वंडरफुल ऑडियंस. एक बार मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाना चाहता हूँ. बहुत मजा आ रहा है ये शो आपके सामने प्रस्तुत करने में. तो एक गाना बढ़िया सा करते हैं. हाँ, बलराज सानी साहब इस गाने के हीरो हैं, और आई थिंक असला सचदेव हीरोइन है. कौन सा गाना हो सकता है? वैभव जी, क्या वही है? ओके. मेरी जोरा जबी. गौरव भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जी वक्त आ चुका है. जी, वक्त आ चुका है उस पिक्चर का गाना लेने का जिसका नाम वक्त है. जी हाँ, जी. और आप सबके जरा रुमाल थोड़े से अगर बाहर आ जाएंगे, और जितने भी बलराज सानी मैं यहाँ देख रहा हूँ, हाँ, तो आज मुझे लगता है कि उनके अंदर का बलराज सानी. वैसे भी शादीशुदा आदमी रुमाल लेके चलता है, आंसू आंसू पोंछते हैं. लेकिन आप में रुमाल आने चाहिए, और वाकई वो इमोशंस भी सामने आना चाहिए जैसा वैभव जी कह रहे हैं. और बलराज सानी साहब जिस स्टाइल में करते थे, वो जो पूरा स्टाइल है, मन्ना बाबू का गाया हुआ गाना, साहिर साहब का लिखा हुआ, रवि साहब का म्यूजिक है, रवि शंकर शर्मा. अरे रुमाल निकालिए, मैंने मास्क निकालने के लिए थोड़ा ना बोला. अरे अरे सर, रुमाल निकालिए, आपने तो कैश भी निकाला हमारे लिए. रुमाल निकालिए, हाँ निकालो रुमाल निकालो. ये स्कूल और कॉलेज के बच्चे ना, थोड़ा डांटना पड़ता है इनको. अच्छा, हाँ, समझाना पड़ता थोड़ा.
के जावेदा है मेरी सोहर जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान मेरी जान है मेरी सोहर जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझ पे से पहले आज से ज्यादा आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी मीठी इतनी सुहानी ऐसी मीठी खड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले जो कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं हे इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले खुशी को ढूंढ रहे थे हम किस
खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, आज से पहले आइए। अब तक हमने डुएट सुने हैं, दो साजिंदों के साथ काम करते सुना है, एक काम करते हैं, एक नहीं दो नहीं तीन कलाकारों को मंच पे बुलाते हैं, है ना, ऐसा भी कोई गाना होना चाहिए। आलोक जी, निरुपमा जी एंड वैभव वशिष जी, आप तीनों आ जाएं। वैभव जी को हम मैं लेकर आऊँगा, पर्सनली लेकर आऊँगा।
बहुत भूपेव जी, निर्मला जी, आलोक जी, हम इतना दूर निकल आए हैं कि हम लोग इतने करीब आ गए इस चक्कर में। Alright, so we'll try and take that as well. हाँ, कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ, सब सबकी फरमाइशें पूरी हो रही होंगी होंगी। सर डांटना मत बस प्लीज। हाँ, बहुत मैं चरण स्पर्श करके आपसे कहता हूँ प्लीज। मोहित जी, एक आज की शाम में ना एक बड़ी अनोखी चीज़ हो रही है। आवाज और साज साथ साथ चल रहे हैं और सिर्फ साज और साज का भी एक बड़ा अच्छा तालमेल हमें नजर आ रहा है। लेकिन ऑन पब्लिक डिमांड कुछ ऐसा कर सकते हैं। श्रुति जी भी यहाँ पर हैं, आप हैं, सभी वरिष्ठ वायलिनिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, कुछ आप दो मिलके कुछ ऐसे जुगलबंदी सुना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं श्रुति जी, ऐसा करते हैं कि आर, जैसे आर से चल रहा है तो रविंद्र जैन जी के संगीत में जो एक गीत है जिस फिल्म का नाम भी आर है, आर से शुरू होता है, कौन सी फिल्म हो सकती है? बिल्कुल सही। तो आप पहली हैं जो रविंद्र जैन जी के नाम से राम तेरी गंगा मैली बोली। मैं मंदाकिनी के नाम से बोलता था अब तक। गौरव जी, वीडियो और ऑडियो में फर्क होता है। जी जी सर। हम सुनेंगे। सुमोहित जी, ऑडियो ही सुनाइएगा आज फिर हम। Thank you.
बहुत खूब, वाह वाह वाह, फैंटास्टिक। यही तो मजा है आज, बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में बहुत सारे गाने आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक अंदाज जो रहा हिंदी फिल्मों में खास तौर पे, वो बदला नहीं काफी सालों तक, वो था बारिश का गाना। हीरो हीरोइन हो, बारिश में भीग रहे हो, रोमांटिक गाना हो, है ना, एक ऐसे गाना आपकी तरफ आ रहा है। आलोक जी और गुल जी आइए, अपनी आवाज से मतलब मेघ मल्हार टाइप कुछ कर दीजिए, मतलब हमें बारिश फील हो जाएगी। आई थिंक हीरो इज जितेंद्र एंड जितेंद्र साहब एंड हीरोइन इज रीना रॉय जी। रीना रॉय भी एकदम चिल्ला के बोले आप एकदम, हाँ आपके सावन, वाह। क्या हुआ कैमरा वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, राइट 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 राइट, बोलते हैं सर, बोलते हैं, है ना, वो कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा आप समझ गए ना। हाँ सर, सर थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, हाँ जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। वाह 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 आलू जी, वाह वाह, ये मैंने गुल के लिए कहा। थैंक यू सर। Oh,
ही बढ़िया, फैंटास्टिक। मैं समीर साहब, मैं चाहूँगा कि आप मंच पर आएँ, और मुझे बेहद खुशी है ये बात आप लोगों को बताते हुए कि राजा सर के साथ, यानी कि इले राजा साहब के साथ हाल ही में इन्होंने काम किया, डबिंग करी, महान संगीतकार इले राजा साहब। और एक और बात जो मुझे पता चली और बहुत अच्छी है, वो भी कि अमूमन ये जो गाना अभी आपके सामने आने वाला है, रविंद्र जैन साहब के शो में या तो वो गाते थे या फिर यशुदास साहब ही गाते थे, ज़्यादातर दादू ही इस गाने को गाते थे। और जब एक बार समीर साहब को सुना, रविंद्र जैन साहब ने उनकी आवाज़ की टोन बहुत पसंद आई और कहा कि ये गाना तुम भी गा सकते हो, तुम्हें गाना चाहिए, ये गाना दिया, क्योंकि ये गाना दिया ही नहीं जाता था किसी और को, या तो दादू गाते थे या फिर यशुदास साहब गाते थे, कोई भी सिंगर हो शो में, लेकिन ये गाना नहीं मिलता था। बहुत ही स्पेशल गाना है ना, और क्लासिकल बेस्ड है, बताया जाता है कि यमन कल्याण पर ही पूरी तरह आधारित है ये गाना जी, है ना। तो ओवर टू समीर साहब, और इस उपलब्धि के लिए जोरदार तालियां समीर विजय कुमार जी के लिए। थैंक यू। गायत्री जी आइए।
संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार न बिसराना जब जले जब शाम भले आहा रिएक्शन है ना ये आता है इस परफॉर्मेंस के बाद। अब देखिए अब आर 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 कितनी हमने बातें करी हैं। एक आर कोई मैं इंटरव्यू करने के लिए गया रणधीर कपूर साहब को और आर से राज कपूर साहब भी, तो रणधीर कपूर साहब कहने लगे यार सब बढ़िया मेरी लाइफ में सब अच्छा है बस एक इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई। मैं क्या हुआ क्या इच्छा पूरी नहीं हुई? भगवान का दिया सब कुछ आपके पास आर के स्टूडियो, अब तो खैर स्टूडियो नहीं है लेकिन हाँ आर के फिल्म तो आपके पास है। तो कहने लगे यार ऐसा हुआ कि मेरा छोटा भाई चिंटू ऋषि कपूर, मेरे चाचा शमी कपूर, छोटे चाचा शशि कपूर, इन सब ने जो है राजीव कपूर कहता इन सब ने राज कपूर के डायरेक्शन में काम किया है मुझे छोड़ के। मेरे डायरेक्शन में राज कपूर ने काम किया लेकिन उनकी डायरेक्शन में कभी मुझे काम करने का मौका नहीं मिला। बस यार ये जिंदगी में मेरी चीज़ अधूरी रह गई, तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं कभी कभी अधूरी और इंसान उसी के पीछे भागता है काश मिल जाए। तो आर से ही रणधीर कपूर साहब का ये गाना है ना वो हम लेते हैं स्टेज पर। डुएट है निरुपमा जी एंड आलोक जी, आइए थोड़ा खलीफा बनती हो जाए 76 वाली है ना, पिक्चर का नाम तो समझ गए होंगे आप लोग। मैंने बोला खलीफा बनती हो जाए, हाँ ऐसी ऑडियंस मिलनी चाहिए पूरा पेपर खोल के लिख के दो तब। ऐसे कुछ गाने महफिल में राधिका जी ने लिए हैं कि गाने ज़्यादा कुछ कोई महफिलों में लेता नहीं शोज़ में लेता नहीं, लेकिन ये गाना आप देखिए बहुत ही अलग गाना एक ऑड नंबर है पंचमदा का किशोदा और आशा जी। चल रहा है रंग बदल रहा है दिल मचल रहा है रंग बदल रहा है दिल मचल रहा है रंग बदल रहा है आग दिल की लगी तू बुझा देना चल रहा है रंग बदल रहा है दिल मचल रहा है रंग बदल रहा है ये बेरुखी चार दिन इसी जिंदगी के दो दिन जवानी के है वो तू आ जाना मिलके बिताए सनम ये जिंदगी छोड़ कोई हमें दर देख लेगा तो डर है कि दुनिया के नजरों में से ही रुसवा न हो जाए हम क्या करे कि दुनिया चल मरे कि दुनिया करेगी दुनिया चल मरेगी दुनिया तू जलन की बिठा देना अभी समा नहीं है रंग जमा नहीं है अभी समा नहीं है रंग जमा नहीं है चार दिन और यूं ही बिता देना दिल मचल रहा
रहा है, रंग बदल रहा है। उठा है मोहब्बत का तूफान दिल में अभी, तो मान जे सैया अब छोड़ दे भैया, तो मान जे सैया अब छोड़ दे भैया, जागे मां को भी तू सुना देना। दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है, आग दिल की लगी तो बुझा देना। दिल मचल रहा है, अभी समा नहीं है, रंग बदल रहा है, रंग जमा नहीं है। दिल मचल रहा है, अभी समा नहीं है, दिल मचल रहा है, रंग जमा नहीं है। थैंक यू निर्भमा जी। आलोक जी एक मुख्तसर सा किस्सा सुना दूं जरा, प्लीज फिर आप देखिए, ये बात तो साफ हो चुकी है आज की शाम की, बड़े मुख्तलिफ गाने, बड़े रेयर गाने जो अमूमन स्टेज पे नहीं ले जाते वो हम आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, और किस्से भी कुछ बड़े ज़बरदस्त सामने आ रहे हैं, यादों में आ जाते हैं। अब कपूर खानदान की बात हो रही थी आर से, तो एस से शशि कपूर साहब जब शुरू शुरू में फिल्मों में आए ना, तो इनकी पिक्चरें चल नहीं रही थी, मीडिया ने यहाँ तक कह दिया था ये तो जिंक्स है, इस तरह की बातें होने लगी थी। तो शशि साहब अपने फादर के पास पहुंचे, पृथ्वीराज कपूर साहब के पास, और कहने लगे पापा जी मैं की करा, पिक्चरें नहीं चल रही हैं, पिक्चरें चल नहीं रही हैं, क्या करूं। पृथ्वीराज कपूर साहब ने कहा देखो ऐसा बेटा, आईने में खड़ा हो, आईने के सामने खड़ा हो, सवाल पूछ काम अच्छा किया नहीं किया, अगर काम अच्छा किया है पिक्चर नहीं भी चली कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉब्लम तब होगी लाइफ में जब काम अच्छा नहीं किया और पिक्चर हिट हो गई, तब लाइफ में प्रॉब्लम होगी। सोचो कितनी गहरी बात बोली गई, अच्छा काम किए बगैर अगर आप हिट हो गए तो फंस गया है ना, क्योंकि दैट्स द बिगिनिंग ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस ना, हम ही हम हैं। और शशि कपूर साहब ने इस बात को पूरी तरह माना और फिर बड़ी ज़बरदस्त फिल्मों में आए, ब्लैक एंड वाइट सिनेमा भी किया, कलर्ड सिनेमा भी किया, कैरेक्टर रोल्स भी किए और खुद बड़ी अच्छी फिल्में बनाई। मुझे याद आता है जुनून उनकी बनाई हुई फिल्म थी श्याम बेनेगल साहब की, देन 36 चौरंगी लेन, विजेता, एंड और कौन सी पिक्चर थी, कलयुग, इफ यू रिमेंबर, विक्टर बैनर्जी, रेखा एंड एवरीबडी वाज देयर। सो ये और मर्चेंट आइवरी फिल्म्स में काफ़ी काम किया उन्होंने, बड़ी हटके सिनेमा में काम किया। और जब इतना सब कुछ हटके हो रहा है, आलोक जी एक हटके गाना लेते हैं, है ना, ये हटके नोट था, देखिए कैसे वायलेंस ट्यून किए जाते हैं, उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे। नहीं तुम ही हो जाने लगा,
क्यों तुमने दामन चुराया, तुम जानो मैं क्या बताऊं, मुझ में ही कुछ ऐब होगा, क्यों तुम पे तोहमत लगाऊं, मैं तो यही रही तुम ही हो जाने जा जाने मन जानती हो जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की देखा है, हमने देखा है दो तकदीरों को जुड़ते हुए। गुलजार साहब बेमिसाल लिरिक राइटर, और लोग सोचो उनको कॉम्प्लीमेंट भी कैसा देते हैं। गुलजार साहब क्या लिखा है, है ना, देते हैं ना, क्या लिखा है। ये ग्रेट आर्टिस्ट की पहचान होती है कि कभी कभी पहेली की तरह आता सामने और फिर एकदम सरल हो जाता है, एंड दैट्स गुलजार साहब। तो गुलजार साहब का लिखा है गाना, पंचम दाह का म्यूज़िक है, दो तकदीरें दो अदाएं जुड़ने वाली हैं। निरुपमा जी आपसे करबद्ध प्रार्थना अनुरोध कि आप आएँ, हमने देखा है उड़ते हुए। Ooh.
क्या बात है जोरदार ताली हो। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हमने देखा दो दो रेखा आज, हाँ, इस गाने में यही हमें कहना होगा। बहुत खूब, देखिए डबल रोल जी। और राजेश रोशन साहब से एक बार मुलाकात हुई और बातचीत चल रही थी, तो कहने लगे कि मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं पंचमदा के यहाँ जाता या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के यहाँ जाता। और मैंने आनंद बख्शी साहब से कहा कि मुझे लक्ष्मी जी के यहाँ भेजिए, मैं उनके यहाँ जाके म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ, वहाँ पे बतौर म्यूजिशियन काम किया उन्होंने। तो मैंने एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इतना बड़ा नाम, उनके सामने एक नया लड़का आ रहा है राजू रोशन, वो आपको संगीत सिखा रहे हैं, वो जानते हैं कि आगे जाकर आप म्यूज़िक डायरेक्टर ही बनोगे, हो सकता है कॉम्पिटिशन में आ जाओ, उनको क्या लगा उन्होंने आपको फिर भी सिखाया? तो उन्होंने कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बादशाह लोग, राजा लोग, उन्हें किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी नहीं, सब कुछ सिखाया मुझे अच्छी तरह से। और लक्ष्मी जी तो अब नहीं है, पर वो कहते हैं कि प्यारे भाई आज भी मुझे फ़ोन करेंगे ना, मेरे पास गाड़ी नहीं हो, कुछ नहीं हो, मैं नंगे पाँव दौड़ा जाऊँगा उनके पास उनकी हेल्प के लिए। इतनी इज्जत वो लक्ष्मी जी प्यारे जी की करते हैं और वहीं से सीख कर ये आगे बढ़े। जी हाँ बिल्कुल, यही सुनहरा दौर है सिखाना और कहना कि हाँ जाओ प्रोफेशनली काम करो, बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक काम करते हैं, उस फिल्म का गाना सुनते हैं जो कमबैक फिल्म मानी गई राजेश रोशन साहब की, बीच में थोड़ा रफ पैच आया था, और इस फिल्म का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है जो राखी जी ने बोला है, मेरे कन्या जून आएंगे। हाँ, आइए गुल जी, आलोक जी आइए, मेरे गुल जाले आलोक आएंगे, आ गए।
चाहत पे तुमको नहीं भरोसा, तुम पर मुझको यकीन है, खुद पर यकीन नहीं चाहती हूँ मैं। जल्दी है क्या धड़के जिया, वो क्यों भला खुशी जो इतना डरोगी, तुम प्यार कैसे करोगी? चाहती हूँ मैं, जल्दी है क्या धड़के जिया, वो क्यों भला। फैंटास्टिक। और देखिए एक बहुत ज़बरदस्त मेडली है जो हम चाहते हैं कि वो आप ज़रूर सुने, बहुत मेहनत करके तैयार की गई है। हम उस मेडली तक पहुँचे और अभी हाँ एग्जैक्टली मैं वहीं पर आ रहा था, है ना। उससे पहले वी गॉट टू मोर सॉन्ग्स राइट, वी गॉन टेक दो सॉन्ग्स राइट, वी आर टेकिंग दिस सॉन्ग्स। लेकिन वो घड़ी जहाँ पर मैंने कहा था ना हर बार मैं ये काम करता हूँ, आज आपको वो काम करना होगा। हाँ सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस ऑल दीज एमिनेंट आर्टिस्ट हियर। Thank you, Gaurav ji. I feel extremely honored to have such brilliant musicians on stage tonight. Let's begin with the rhythm section. We have Abhijit Sawant playing the tabla. Pankaj Dhupavkar is accompanying with the tabla and the dholak on the congas, as we usually call it, but tumba is also a synonymous term. We have Vijay Jadhav. On conga dholak, we have Shashi Bawalekar. We have Sumit Sarfare playing the drums. Vinod Devre is accompanying on the octopad and the sampler. Gandharva Patil on the percussions. Moving on to the chorus section, we have Rahul Chitnis, Nitin Karandikar ji, Veena Joshi ji, Nishikanda ji and Jyoti ji. Oh, sorry. Vandana ji, I'm sorry. Yes, Vandana ji. Two brilliant keyboardists, Rishikesh Redkar and Chirag Panchal. As we all know, Chirag Panchal is
an equally brilliant conductor himself. And to conduct him is actually not my job, but it's his greatness that he accepts my conducting. We have Shruti Bhave on the solo violin. Let's hear it loud for Shruti. Did you like her playing? Sorry, can't hear you. Did you like her playing? Okay, good, thank you. Moving on to the violin section, we have Prakash Verma ji, who's leading the violin section. Abhijit Mazumdar ji, Dharmendra Javada ji, Godwin Joseph ji, Chandar Makwana ji, Sushil Verma ji. On the mandolin, we have Dinesh Bhosle ji. On the lead guitar, we have the young and dynamic Yash Lalka. We have Gautam Shinde ji on the bass. And the two backbenchers who have come to the front bench. Nagesh Koli ji on the saxophone and the clarinet. And Robin Fagos playing the trumpet. The sound is brilliantly being handled by Nitish Fanse ji. Gaurav ji, over to you. Just before I give the mic to you, I would want to thank Radhika ji, R. So the main R behind this show is Radhika ji. And of course, Mohan ji, where is Mohan ji? I'm not able to spot him. Oh, Mohan ji is right there. Oh, you're too far from each other. Although you've always been along. Oh, he says that's because they're married. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Mohit Shastri Sahab, Zordar Taliyan. Hey, Gonzalez. Duniya mein do tarike ka cockroach hota hai. Wohi bolna tha na aapne. I'm sorry. Out of anxiety, I happened to miss out Sareen Savarkar ji's name, who's on the video, who's doing the LEDs. Thank you very much. And the lights, yes. Lights are being handled by Mr. LED pe Amit Rao ji. Yes, Amit Rao ji. And the video recording is being done by Sareen Javarkar ji. Yes, thank you very much. Over to you. And Mohit Shastri Sahab, the music conductor. और अब वो घड़ी आ गई है जब मैं रेडियो की जुबान में आपसे बातें करना शुरू कर दूं. दो गाने बैक टू बैक. आ गए हम कहाँ है मेरे साजना.
बंधन है प्यार का देखो टूटे न सजनी ये जन्मों का साथ है देखो छूटे न सजना तेरे आंचल की छाओ के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां गए हम कहाँ मेरे साजना इन बहारों में दिल की कली खिल गई मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां अभी जैसे कि मैंने कहा था कि दो गाने बैक टू बैक वो रवायत निभाई जाए गायत्री जी आप वहीं पर रहें उपस्थित और जो थोड़ी थोड़ी सी ख्वाहिशें हैं हमारी वो पूरी पूरी आप पूरी कर दें बस ये जीना है अंगूर का दाना कुछ खट्टा है कुछ मीठा है जितना खाया मीठा था जो हाथ ना आया खट्टा है और उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त मेडली आपकी तरफ आने वाली है वो जरूर सुनिएगा बड़ी मेहनत की है हमने उस पर
उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे, बोलो ऐसा होगा। घोड़ा है घोड़े की जरूरत है, आंचल से उड़ के खटा चली, सुन 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 कहाँ चली कहाँ चली, छूने जरा आसमां चली, बादल पे उड़ना हो दूर दूर।
बहुत खूब आलोक जी, फैंटास्टिक, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और अब वो घड़ी आ गई है जहाँ पर हमारे सारे कलाकार मंच पर आने के लिए बेताब बेकरार, द मेडली जो हमने प्रिपेयर की है। मोहित जी, हाँ, चार गाने बैक टू बैक, मैं अनाउंस तो करूँगा ना। कब चेहरा सभी ने देखा।
पुकारा तो मैं आया।